असलम डेर लर्नर्स एंड ऑन टिपनियोर्स वेलकम इन द वीडियो आपसे इससे पहले बात हो चुकी है थेरेटिकल एस्पेक्ट्स में कि बिज़नेस आइडिया क्या होता है बिज़नेस आइडिया आप कितने सोर्सेज से देख सकते हैं यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी सोर्सेज़ क्या हैं इनोवेशन क्या होती है और उसके साथ साथ क्रिएटिविटी आपके बिज़नेस को कितना हेल्प कर सकती है अच्छा ये सारी थ्ररेटिकल एस्पेक्ट्स थे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि बिज़नेस आइडिया को आपने लीगल एस्पेक्ट में विद अ लीगल लेंस भी देखना है बिकॉज अगेन हमने आपसे बात की थी कि आपका जो बिजनेस है जब वो ऑपरेट करता है तो वो एक पूरे इको सिस्टम में ऑपरेट करता है और लीगल सिस्टम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके बिजनेस आइडिया को और आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है आज हमने स्टूडियोज़ में बुलाया है रिहान अजीज साहब को ही इज़ अ लॉयर हम इनसे पूछेंगे कि बेसिकली एक बिजनेस आइडिया लेंस ऑफ द लीगल एस्पेक्ट क्या होता है और इसको हम कितने डिफरेंट एंगल्स से देख सकते हैं रिहान अजीज साहब के साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिजवान सलीम रिजवान और मैं आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए कोर्स कर रहे हैं सो so, मेरे भी जहन में बहुत से सवाल हैं और रिजवान साहब के भी जहन में बहुत से सवाल हैं सो so, देखते हैं हम क्या सवाल पूछते हैं तो सर वेलकम इन द स्टूडियो थैंक यू वेरी मच सर सबसे पहले तो ये बताइए हमें कि एक बिजनेस विद लीगल लेंस आप किस तरह उसको डिफाइन करेंगे आ, देखें आपका जो सवाल है ना जी इसका जवाब देने से पहले मेरे जहन में एक सवाल है जो मैं अपने आप से करना चाह रहा हूँ और ऑडियंस से भी कर देते हैं वट इज लाइफ राइट बिजनेस आइडिया जो है ये लाइफ का सवाल अगर आपको समझ है तो उसके बाद आएगा तो जवाब मैं खुद ही देता हूँ कि वट इज लाइफ लाइफ इज बेसिकली फाइट अगेंस्ट द क्रुअलिटी ऑफ नेचर यूसी ये जो क्रुअलिटी ऑफ नेचर है ये वर्सेज मैन है एंड ना द क्वेश्चन वट इज नेचर ऑल दैट बियॉन्ड योर कंट्रोल इज नेचर जैसे बारिश है सर्दी आ रही है गर्मी आ रही है हवाएं चल रही हैं और बहुत सारी और जो कुदरत की ताकतें हैं वो काम कर रही हैं और कुदरत ने ऐसी केमिस्ट्री बनाई है कि वो इंसान के अगेंस्ट उसको खड़ा कर दिए है ताकतों को तो इसका जवाब ढूंढने की जरूरत है तो अगर लाइफ फाइट अगेंस्ट क्रुअलिटी ऑफ नेचर हुई तो इंसान तो फिर डायनामिक चाहिए ना बिल्कुल ऐसा अब डायनामिक आदमी जो है उसको हम कहते हैं जो विजिलेंट भी है और डेलीज भी है यानी उसमें सुस्ती और गफलत नहीं है तो अब एक और चीज़ देखेंगे कि लाइफ जो है जो मेरी ज़रूरतें हैं या आपकी हैं या मैसेज की हैं वो डाइवर्सिफाइड है बिल्कुल ऐसे ही जो मैंने जूते पहने हैं कपड़े पहने हैं जो मैं खाना खा के आया हूँ जो मैं चाय पीऊँगा या जे ये जो कुछ भी पैरा हमारे इर्द गिर्द है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं नाइन्टी नाइन परसेंट मेरी ज़रूरियात मैं खुद प्रोड्यूस नहीं करता वो कौन प्रोड्यूस करता तो लोग प्रोड्यूस करते हैं अगर मेरी सोसाइटी डायनामिक नहीं है अगर मेरी सोसाइटी में आइडियाज़ नहीं हैं तो इसका मतलब है कि मुझे अगर डिस्प्लिन की ज़रूरत है तो वो एट द नेक ऑफ टाइम अवेलेबल नहीं हो अब सवाल ये कि एक सोसाइटी में जो डायनामिक आदमी है वो तो क्या पसंद करेगा कि बैगिंग कर ले कि आपको कहे भाई मुझे आप खाना दे दीजिए मुझे कपड़े दे दीजिए मुझे बाकी ज़रूरिया मेरी पूरी कर दीजिए तो आपको पता है कि जो इंसान है ये सेल्फ रिस्पेक्ट अगर नहीं है तो ये तो ये तो बिल्कुल ज़ीरो है बिल्कुल तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग हैं वो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं ठीक वो सोचते हैं दे आर वेरी ठीक और जो वर्चुअस सोसाइटी है और जो वर्चुअस बंदा है जिसको आप डायनामिक कहेंगे वो हमेशा ये कहेगा कि ये जो लोग हैं जो मेरी 99% नाइन परसेंट जरूरियात को पूरा कर रहे हैं मैं उनकी कोई एक जरूरत जरूर पूरी करूं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब गिव टेक पे आते हैं तो फिर आप कहते हैं ओके आई एम गिविंग यू अ बिजनेस आइडिया भाई मैं कोई ऐसी मोटर बाइक करूंगा जो किसी ख़ास फ्यूल से चलेगी जो कि एफिशिएंट है और इकोनॉमिकल है तो उसको मैं लोगों को दूंगा और उसके अगेंस्ट मेरी लिविंग जो है वो मुझे मिलेगी अब आपको इसकी मैं एग्जांपल देता हूं देखिए कितना जबरदस्त अगर आप बिजनेस को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इसका थोड़ा सा बड़ा कर लें स्कोप को बड़ा ले जाए तो देखिए इस वक्त एक जो बंदा डॉक्टर बन रहा है किसी मेडिकल कॉलेज में वो अपने लिए काम बन रहा है मेरे लिए ज्यादा बन रहा है बिल्कुल ही मुझे अगर कोई खुदाना खास्ता बीमारी होनी है तो उसने मेरा इलाज करना है अगर मैंने उसको एक खास पैसे देने हैं तो इसके बदले उसने मुझे मेरी लाइफ सेव करनी है तो मुझे एक बात बताएं कितना डायनामिक आदमी है वो बंदा जो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है और उसका बिजनेस आइडिया अगर हम उस लेवल के ऊपर देखें तो वो तो कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी ज्यादा है बिल्कुल ऐसे है। तो फार्मूला ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी ये है कि बिजनेस आइडिया का सबसे बेस्ट फार्मूला ये है कि आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है टुवर्ड सोसाइटी वो 99 नाइन परसेंट हो और अर्निंग रिलेटिवली लोअर साइड पे हो देन आप एक वर्चुअस सिटीजन के तौर पर काम कर सकते हैं तो बिजनेस आइडिया तो आइडिया इज बेसिकली थॉट इट इज अ थॉट इट इज इन बेसिकली इन प्रोबेबिलिटी कि ये हम करेंगे अब बिजनेस जब आप साथ लगाते हैं तो आप उसके साथ कमर्शियल एंगल लगा हैं। बिल्कुल ऐसा है ही। अब कमर्शियल एंगल क्या है अब कमर्शियल एंगल इसलिए लगाते हैं देखिए अब वी डिसलाइक बैगिंग एंड वी आर नॉट स्लेब्स रिजवान सब वी आर नॉट स्लेव्स एट ऑल स्लेव्स जो होते हैं उनका फ्री कॉन्सेंट नहीं होता अब जब फ्री कॉन्सेंट में आते हैं जब आप फ्री कॉन्सेंट की बात करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट थेरी में आ जाते हैं तो अब बिजनेस होगा वैल्यू फॉर वैल्यू मैं मेडिसिन बनाऊंगा आप मोटर बाइक बनाएंगे देखिए मेडिसिन बेच के मेरे पास पैसा आएगा मैं आपकी आपसे मोटर बाइक खरीद सकूंगा देखें वैल्यू फॉर वैल्यू दिस इज कमर्शियल बिल्कुल दिस इज बिजनेस एप्सोलूटली इसके आगे भी थोड़ा सा चले देखें वी आर लिविंग इन अ स्टेट स्टेट के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं एक तो टेरिटरी दूसरा उसके साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए तो अगर वी आर लिविंग इन पाकिस्तान तो पाकिस्तान के पास टेरिटरी तो है अब उसके टेरिटरी के साथ आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 है इसके अगर फंडामेंटल राइट्स को जाके आप देखें तो राइट टू प्रोफेशन और बिजनेस बिल्कुल अब राइट टू प्रोफेशन और बिज़नेस इसका मुराद ये है कि कोई भी बंदा जो है अगर वो क्वालिफाइड है अगर गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अब वो क्यों स्टार्ट कर सकता है इसलिए कि उसकी रिस्पेक्ट मेंटेन रहे सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो इनोवेटिव हो और डायनामिक सोसाइटी में हम रहें और हमारी जो डायनामिज्म है ये पाकिस्तान से बाहर भी लोगों के काम आए तो बिजनेस आइडिया बेसिकली ये जो है ये तो लीडर है ये तो लीडर है स्टेट और यही लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा, पैदा कर रहा है यही जॉब्स पैदा कर रहा है और सर आपकी डिस्कशन से हमें अपनी एक डिस्कशन याद आ रही है जो हमने इस कोर्स के शुरू में की थी कि एंटरप्राइजिंग नेचर के लोग होते हैं और वही एंटरप्राइजिंग नेचर के जो लोग होते हैं वो सोसाइटी के अंदर दूसरे लोगों के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिजाइन करती हैं जिससे दूसरों लोगों की जिंदगी जो है वो तो ज़्यादा बेहतर हो जाती है ना वो 24 आवर्स काम करता है इसमें है है। छोटी तो <laughs> <job, laughs> right? इस सी बात राइट टू हैव प्रॉपर्टी देखें अब कितनी प्रॉपर्टी पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है बिल्कुल लेकिन आप एक इंडिविजुअल को इतनी प्रॉपर्टी देते हैं कि उसकी फैमिली लाइफ गुजरे कोई बिजनेस एसेट्स हैं कोई कैश है कोई एग्रीकल्चर लैंड है कोई फैक्ट्रीज हैं कोई है, को इस तरह की और चीज़ें हैं गाड़ियां हैं आप देखें ना आप जो प्राइवेट ओनरशिप इंस्टीट्यूशन है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रमोट कर और गारंटी कर रहा है और आपको पता है जो फंडामेंटल राइट right है ये कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है आपका कि राइट टू प्रोफेशन एंड बिजनेस एंड राइट टू हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन गर्ंटी कर रहा है आप और सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उनको एक ऐसा इन सिटीजन चाहिए जो बड़ा वर्चुअस हो बड़ा डायनामिक हो और और वो चीज़ों को आगे लेके चले बिल्कुल ऐसे रिजान साहब आपके भी जहन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे सर से मज़ीद पूछने से पहले एक बुनियादी सवाल रिहान साहब से ये जानना चाहूँगा जिस तरह बिज़नेस आइडिया पर डिस्कशन हुई अब एक बिजनेस आइडिया ने जब इम्प्लीमेंट होना है यानी उसकी मैनिफेस्टेशन होनी है तो कौन कौन सी लीगल प्रोविजंस हैं यानी कौन एक बिजनेस जो शुरू होता है किसी भी लेवल पर वो कौन कौन सी लीगल फॉर्म्स इख्तियार कर सकता है उसके पास क्या ऑप्शन होते रिजवान साहब गुजारिश ये है कि जो भी बिजनेस है ना इसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू या जिसको एसेंस में जा हम देखें तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट थेरी पे है ना अगर आप किसी को कोई चीज़ बेचेंगे नेचुरली तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अब कॉन्ट्रैक्ट थेरी के ऊपर आप जाएंगे तो ये फ्री कॉन्सेक्ट सबसे पहली जो चीज़ है वो बिजनेस आइडिया को फ्लोट जब आप करते हैं उससे पहले आप ये सोचते हैं कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कैसे मेरी डेवलप हो अगर एक बंदा है वो इंसैन है वो कहता है मेरा बिजनेस आइडिया तो भाई आप तो कैपेसिटी रखते ही नहीं तो आपके बिज़नेस आइडिया का क्या स्टेटस इसमें उसकी जो साउंडनेस ऑफ माइंड है उसकी जो एज जो मेजॉरिटी एक्ट एटीन सेवेंटी फाइव है उसके तहत से ही होनी चाहिए फिर अगर वो इन सारी चीज़ों पे पूरा उतरता फिर ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो वो बिज़नेस आइडिया लेके जा रहा है क्या इसकी कोई परमिशंस तो नहीं चाहिए अगर कोई बनाना चाह रहा है सिक्योरिटी एजेंसी तो वो स्टेट वे गार्ड्स नहीं रख सकता है एमोनीशन नहीं रख सकता कोई असला नहीं रख सकता उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशंस बनाती तो कुछ तो इस तरह के बिजनेस हैं जिनके लिए ज़रूरी ही नहीं है कहीं रजिस्टर होना जिस तरह आप जनरल स्टोर है फार्मेसी तो आपका बिजनेस है उसकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं तो लीगल कैपेसिटी जो है वो बड़ी ज़रूरी है वहाँ पर एक प्रोप्राइटरशिप जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं ज़्यादातर लिखा होता है प्रोप्राइटरशिप लेकिन जो इसके साथ सोल का लफ्ज है वो इसको मुकम्मल करता है सोल प्रोपार्टरशिप तो ये वन मैन इन बिजनेस फॉर ओनली बिल्कुल एक बंदा है जो सिर्फ खुद उस बिजनेस में है बिल्कुल और वो उसको लो लेवल लो स्केल के ऊपर उसको चला रहा है उसके ऊपर कोई कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है नॉर्मली ठीक लेकिन अगर वो फार्मेसी में करता है तो फिर उसके ऊपर कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर पाबंदियां आ जाती है दूसरा जो इसका स्टेटस आ जाता है वो ये है कि जो सोल प्रोपार्टनरशिप है उसकी लाइबिलिटीज का इशू रहता है कि इसकी लाइबिलिटी जो लॉज में है वो अनलिमिटेड है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का जो फ्लॉ है उसको कैटर करने की कोशिश करके पार्टनरशिप की तरफ आते हैं जिसको दूसरे लफ्जों में हम फर्म भी कह देते हैं बिल्कुल जो है। तीसरा है। एंगल और इसका जो है वो कॉरपोरेट लीगल एंटी जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है पब्लिक हो सकती है हो सकती। फिर सेक्शन फोर्टी टू है वो कहता है कि अगर आप बनाना चाहते हैं, आ, अब लोन देना चाहते हैं लेकिन बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग इंटरेस्टेड इन मेकिंग प्रॉफिट तो देन यू मे गो फॉर सेक्शन फोर्टी टू तो वहां पर एक सोशलिस्टिक एंगल भी मौजूद है सर्विसेज देने का और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने यानी कि इसमें जो रेहान साहब ने सेक्शन 42 की तरफ तवज्जो दिलाई है ये उस केस में बड़ा वैलिड है जब आप कोई सोशल एंटरप्राइज बनाना चाहते हैं बिल्कुल ऐसे हैं। आप अब कमर्शल एंटरप्राइज की जगह आप एक सोशल एंटरप्राइज या आप सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो फिर आपके पास जो लीगल ऑप्शन हैं अपना फॉर्म लेने की वो सेक्शन फोर्टी टू में आप बता रहे हैं रेहान साहब मैं एक सवाल ये है कि आपने बताया कि एक प्रोप्राइटरशिप है पार्टनरशिप है और उसके बाद फिर कॉरपोरेट का स्टेटस है अच्छा एक आ, मतलब कहा यह जाता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और जो पार्टनरशिप है इनकी कोई ख़ास लीगल प्रोटेक्शन नहीं होती है अगर इसको हम कॉरपोरेट लीगल एंटिटी के साथ कंपेयर करें तो क्या कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी में आप कोई ऐसी प्रोविजन है लॉ में कि एक आदमी भी अपने लिए लीगल कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन ले सके एब्सोल्युटली सिंगल मेंबर कंपनी जो है उसका फिनोमेना जो कॉर्पोरेटाइजेशन फिनोमेना है वो वहाँ पर मौजूद है ये जो सिंगल मेंबर कंपनी का कॉर्पोरेटाइजेशन फिनोमेना है वो बेसिकली उन सोल प्रोपर्टी के लिए है के जिनका बिजनेस बहुत ग्लोरीफाइड है बहुत फ्लरिश है और वो पार्टनरशिप में जाना नहीं चाहता अब देखें एक आप सेंस में देखें कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो वो टू मेंबर्स उसमें होते हैं तो वो कहते हैं मुझे दूसरा मेंबर भी नहीं चाहिए तो ये 2000 में टू uh, 2000 में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एस कि अगर कोई साहब हैं जो सोल प्रोपराइटर हैं उनका बिजनेस बड़ा फ्लारिश्ड है एंड ही वांट्स टू एंजॉय द लिमिटेड लाइबिलिटी अब लिमिटेड लाइबिलिटी अगर आप इजाजत दें तो मैं रोशनी डालू देखें सोल प्रोपराइटर जो है ना अगर उसका बिजनेस के एसेट्स जो हैं वो कम हो जाएं और लाइबिलिटी ज्यादा हो जाए तो उसके जाती असासे बिक जाते हैं टू सेटिस्फाई द क्रेडिट ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है क्या ये आपका घर आपकी is, सारी पर्सनल प्रॉपर्टी बिक जाएगी Absolutely. बिल्कुल यू आर डूइंग बिजनेस फॉर द लास्ट ट्वेंटी इयर्स और आपको इक्कीसवें साल पता चलता है कि जो मैंने कमाया था वो भी गया और मेरे जाती असासे भी गई बिल्कुल देखिए ये एक बड़ी Sad, sad state of है. बिल्कुल एंड अनलिमिटेड िटी इज अ डेमोकलिन सोड है आपके सर है। के ऊपर हैंगिंग है, बिल्कुल. है तो इस डर से लोग बिजनेस को आगे लेके नहीं जाते वो रिस्क नहीं लेते वो कहते थे मैंने एक मोटर बाइक्स बनाने की रिस्क नहीं लेनी तो आपको पता बिजनेस जो है बिजनेस आइडिया जो है ये बिल्कुल एक न्यू इन्वेंशन इनोवेशन होती है इन्वेंशन लानी होती है आपको नहीं पता कि आगे क्लाइंट्स कहते हैं या फिर भी जो रिस्क की कैलकुलेशन करते हैं लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी जो है ये तो इंसान इन्स, के में एग्जिस्ट करती है ना सर वो Absolute. किसी भी आपको एब्सोल्यूट इंपैक्ट कर तो अब आप देखेंगे एक बंदा जिसको आप कह रहे हैं आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और आप रिस्क लें वो नहीं लेगा अब आप देखें ये इंसान की ब्रेन का कमाल वो कहता है अच्छा अब आपको कहाँ लेके जिन्हें वो कहता है चलो एक साथ और बंदा लगाओ शेयर कर लो लाइबिलिटी को पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस हुई अब पार्टनरशिप में प्रॉब्लम दो है नंबर वन लाइबिलिटी अनलिमिटेड रही और दूसरा सोल ओनरशिप चली ये इंसान का डायलामा है वो ओनरशिप को शेयर करना ही नहीं चाहता बिल्कुल वो फिर सारे डिसीजंस भी शेयर हो जाते हैं चाहे फाइनेंशियल आपके हाथ से सब कुछ चला गया यू आर शेयर्ड इट्स अ काइंड ऑफ फसे अब एक इसमें बड़ी खूबसूरत बात मेरे मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है वो ये है कि बहुत सारी पार्टनरशिप फार्म हमने बनाई उनकी पार्टनरशिप डीड्स ड्राफ्ट उनको रजिस्टर करवाया उनका टैक्सेशन के इशूज सारे जो ट्रेड मार्क जो भी इसमें एनसिलरी एंड इंसिडेंटल जो इसके पैराफर वो सारा पूरा किया पता चला छः माह के बाद दिकल्ड हो right. आप तो वो जितनी बिजनेस है वो सारी प्रोग्रेस करने की ड्रेन जाना शुरू हो जाए उन्होंने कहा ओनरशिप जो है या जो भी बंद, आपका स्टेक होल्डर है उसको दे ही ना ओनरशिप आप सारे एसेट्स की कंपनी को दे दें अब देखे मैं नहीं कह सकता दिस इज माई आई ओन दिस कंपनी अगर ये को बदा कहता है तो इट्स तो मिस नॉर्मर ये किसी को लॉ कहने की इजाजत नहीं देता कि ये जो कंपनी है इसका ओनरशिप ये शेयर होल्डर है नो no, कंपनी अपने आप की खुद मालिक है इट्स अ लीगल एंटिटी इन इट्स ओन राइट्स तो ऑंट्रप्र जो है एक तरीका कार तो उसके पास है कि सोल प्रोपार्टनरशिप शुरू करे लेकिन जब सोल प्रोपार्टनरशिप शुरू करेगा तो लाजमी बात है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बड़ा काम नहीं कर सकता नए वेंचर्स नहीं कर सकता छोटी सी दुकान डाल लेगा छोटा सा कोई प्रोजेक्ट लगा लेगा फिर उसके साथ ये इन्वॉल्व नहीं होंगे right. तो तो लोग नहीं आते तीसरा एक एंगल रह जाता है जिसमें आंट्राप्रोर जो है वो जा सकता है वो ये है कि वो कंपनी बनाए कंपनी में ओनरशिप कंपनी को दे दे राइट कंपनी का बैंक अकाउंट कंपनी के नाम से आपको सिंगल की बात कर रहे हैं सिंगल कर लें या प्राइवेट कर लें या पब्लिक कर लें मैं कहता हूँ कि थोड़ा हम चाहेंगे कि आप हमें सिंगल मेंबर कंपनी के बारे में ज़्यादा बताएं उसकी वजह यह है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं ये जो एस होते हैं आमतौर तौर पर उनका बड़ा इशू यही होता है कि सोल प्रोपार्टरशिप रखना चाहते हैं लेकिन उसके साथ ये जो इशू ऑफ़ प्रोपैचुअल सक्सेशन है Absolutely. और जो इशू ऑफ़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी है इसको भी वो कैटर करना चाहते हैं मैं यहाँ पर एक जमनी एक सवाल भी साथ कर दूं कि अभी हमारे एक सवाल हमें आया अपने एक यंग ऑन्टपेन्योर की तरफ से वो एज अ सोल प्रोप्राइटर काफ़ी देर से काम कर रहा था और अब वो कुछ एक्सपोर्ट करना चाह रहा था तो उसको जो कस्टमर्स हैं वहाँ इंटरनेशनल उन्होंने ये रिक्वायर किया कि जी अगर आप एंटिटी हैं सेपरेट लीगल एंटिटी हैं तो हम आपसे सामान लेंगे क्योंकि हमारा ला हमें परमिट नहीं करता

वो ऑपरेटिव बिजनेस ऑपरेट कर रही है ये परपेचुअल सक्सेशन है अब आप देखें जो सेलिब्रेटेड मल्टाइनेशनल्स हैं उनकी जो अगर आप लीगल एज देखें तो वो कोई एक सौ डेढ़ एक सौ चालीस साल की है कोई डेढ़ सौ साल की है तो वो आप देखें कि शेयर होल्डर्स जितने हैं दे हैव डाइड डाउन नए शेयर होल्डर्स आ गए हैं तो परपेचुअल सक्सेशन की वजह से ये ऑन गोइंग प्रोसेस है इसलिए वो जो आपका जो ऑन्टरप्रोर है उसके साथ जो बिजनेस करने वाले हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि अगर ये सोल प्राटनरशिप है या ये अगर फर्म है तो अगर ये अनसाउंड हुए या कुछ और हुआ तो साथ ही वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका लीगल स्टेटस भी खत्म हो जाए दैट इज वाई दे आर इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी आपके सवाल का जवाब सिंगल मेंबर कंपनी में जब आते हैं तो एक बंदा उसका शेयर होल्डर है वही डायरेक्टर है वही सीई है ही इज एवरीथिंग अब वो शख्स जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी को इंजॉय कर रहा है अब क्लियर कट डिफरेंस है बिटवीन हिज पर्सनल एसेट्स एंड बिल्कुल अब वो रिस्क ले अब उसकी लाइबिलिटी जो उसका पेड अप कैपिटल है बिल्कुल उस तक है अगर उसके लेट्स सपोज दो करोड़ रुपए के शेयर हैं तो बिजनेस को लॉस दस करोड़ हो गया लेकिन हुआ नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन में उसमें अपनी विलफुल नेग्लिजेंस नहीं है या कोई मेलाफाइडी नहीं है या कॉन्स्पिरेसी नहीं है या वो डिलिंकुेंट नहीं है या कोई इस तरह की जो भी सेक्ट्रा में चीज आप फॉल कर लें तो उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बिल्कुल तो आप देखें आपने कितना उसको रूम अवेलेबल करके दिया कि आप आप हैं आप रिस्क के साथ चलें आपकी लाइबिलिटी हमने लिमिटेड कर दी है और बिजनेस को एक्सप्लोर करें और एक एंट्राप्रियोर सक्सेसफुल जो है इसके कई स्टेक होल्डर्स मैनी होल्डर, स्टेक होल्डर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो गवर्नमेंट खुद है बिल्कुल ऐसे है टैक्स

वो आपसे रिपोर्ट मांगती है भाई आपकी एक्टिविटी क्या रही है फिर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो एक्टिविटी है फिर इसमें एक और चीज़ है कि एक जो हमारा क्रेडिटर है या जिसको आप डिबेंचर्स देते हैं डिबेंचर्स जो डिबेंचर वाला जो शख्स है वो तो आप बिज़नेस में आ है ही नहीं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सिंगल मेंबर कंपनी में तो डिबेंचर किसी को भी नहीं देना लेकिन फिर भी जो सिंगल मेंबर कंपनी है अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती कि चार्टर्ड जो है वो आपके को तो जब चार्टर्ड आपके हैं और कोई किसी बैंक के साथ आप डील कर रहे हैं तो बैंक ने आप तो इतबार नहीं करना वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पे करेगा ना आप देखें अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल अगर आप इजाजत दें छोटा सा तो चार्टर्ड का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने बड़े लोग हैं ये एक आई कैप आपने सुना होगा अब ये चार्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है राइट right. तो इनकी ड्यूटी ये दे आर नॉट दे आर नॉट देयर टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर दे आर देयर टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स बिल्कुल और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चले जाए तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं देयर फॉर देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट डी ए स्टूडेंट बेसिकली हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी फ्राम द बिज़नेस आइडिया विद लीगल लेंस और ये सारी डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी थी कि बिकॉज हमने पहले भी कहा था कि आप मल मल्टीपल सोर्सेज से जो बिजनेस आइडिया ले रहे होते हैं यू गेट एक्साइटेड बाई योर आइडिया बट लेटर ऑन आफ्टर सर्टन स्टेज आपको ये आइडिया होता है कि ये आपका जो बिज़नेस आइडिया है जब किसी एको सिस्टम में यानी आप जब जिस इकोनमी में आपने ऑपरेट करना है वहाँ पर जा कर जब आप प्लान करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत से एस्पेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं कि जिसकी वजह से वो आप बिजनेस आइडिया अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते जिसमें लीगल इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी क्रिटिकल इन्वायरमेंट इस पूरी डिस्कशन से आई एम प्रिटिश श्योर आपके जहनों में बहुत से सवाल आए भी होंगे और बहुत से आपके सवालों के जवाब मिले भी होंगे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो